वेट तो है का। जी वेट है और साइज आप देखें। वो मौसम के लिहाज से होते हैं और फ्रूट्स बड़ी खूबसूरत है। आप देखें रॉटवाइलर और जर्मन शेफर्ड का कॉम्बिनेशन लगता है इसके कलर्स में। इसकी बॉडी इंतहा की जो स्किन है वो सॉफ्ट है। टिकली वही वाली बात कि रैबिट नहीं है, ये हेयर है। इससे पहले एक ने मुझे मेरे पास 9 बच्चे दिए थे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूँ आप तमाम व्यूअर्स को जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल पे। जिन्हें जमशेद एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो व्यूअर्स एक बार फिर हम यासिर साहब के रैबिट के सेटअप पे मौजूद हैं। यहाँ पे हम कुछ नायाब ब्रीड्स इनके पास मौजूद हैं वो देखेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे रैबिट देखेंगे आज हम। तो आइए यासिर साहब से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम सलाम जनाब, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताएं कि आज व्यूवर्स कौन कौन सी ब्रीड देखेंगे आपके सेटअप पे? इस वक्त मेरे पास फ्लेमिश जाइंट है, वियाना है, लॉप्स में फ्रेंच लॉप है, हॉलैंड लॉप है, मिनी लॉप है, नीदरलैंड मार्टिन इस वक्त मौजूद है और टेडी बेयर ड्वार्फ मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा मैंने देखा है हैमस्टर्स में भी आपने ब्रीड? हैमस्टर्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी मौजूद हैं और सील पॉइंट रैबिट्स भी मौजूद हैं। तो डिफरेंट आज 10-12 स्पीशीज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ इंशाल्लाह, जो इंपोर्ट करवाई हैं और देख सकते हैं हम यहाँ पे। चलें देख लेते हैं जी। यासिर भाई ये जो हम देख रहे हैं वाइट कलर के जाइंट रैबिट्स, इसके बारे में बताएं। ये फ्लेमिश जाइंट है, इस वक्त इनका वेट जो है तकरीबन 7 से 7.5 केजी है। ये अप्रॉक्सीमेटली 12 केजी तक जाते हैं। तो मैं इनको आपको उठा के भी दिखाऊंगा कि ये कितने हैवी वेट हैं। इसके साथ एक बैठा हुआ है सील पॉइंट है, जो आगे दो आपको तीन और नज़र आएंगे। ये वियाना सील पॉइंट्स हैं, बेसिकली इनका नाम जो है वो सिलेंडर रैबिट्स है और ये डच और चिंचला की म्यूटेशन है जो 1970 में हॉलैंड में म्यूटेट किया गया था इसको। तो ये मीट फार्मिंग पे ये काम आते हैं और एज अ पैट भी बहुत खूबसूरत हैं, तो चलते ही हैं। ओके, तो एजेस क्या क्या हैं इनकी? ये तकरीबन सब ब्रीडर हैं, 1 साल के अराउंड इनकी एजेस हैं जी। ये जो हम देख रहे हैं इस ब्रीड के बारे में बताएं। ये सील पॉइंट रैबिट्स हैं, सिलेंडर रैबिट्स कहा जाता है। 1970 में ये म्यूटेशन चिंचला और डच से बनाई गई थी हॉलैंड के अंदर। तो ये मीट फार्मिंग पे भी बहुत अच्छा चलता है और एज अ पेट भी बहुत प्यारी चीज़ है ये। आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बनाई गई थी, तो क्या इसके ऊपर म्यूटेशंस देखें ना, 90% तो म्यूटेशंस हैं, बनाई जाती हैं। यानी आप देख रहे हैं कि जो आपका रॉ पैरेट होता है ग्रीन का, उसका येलो कितना महंगा है, ठीक है ना, लुटिनो में जो कितना महंगा है या वो एल्विनो में वो कितनी चीज़ महंगी है। तो म्यूटेशंस तो बनाते हैं ना सारे गोरे जो हैं वो, जिसको हमारे यहाँ क्रॉस ब्रीड बड़ा मायूब समझा जाता है। बेसिकली म्यूटेट तो किया जाता है, दो अच्छी ब्रीड्स को बना मिला के तीसरी कोई नई ब्रीड बनाना, तो वो म्यूटेशंस कहलाती है ना। ओके, लास्ट में जो हम देख रहे हैं रैबिट, ये डच रैबिट है, ये भी बेल्जियम से इम्पोर्ट करवाए हैं और ये मीट फार्मिंग भी बहुत अच्छे चलते हैं और ये भी वेट इनका भी कम है, ये भी काफ़ी और मोटे हो जाते हैं। अच्छा, ये कब इंपोर्ट कराएं? ये तकरीबन मेरे पास इनको महीना हो गया आके। महीना हो गया, तो क्लाइमेटाइजेशन का कोई? क्लाइमेटाइज हो गए, वैक्सीनेशन हो गई है, तो कोई टेंशन है ही नहीं। ओके, वैक्सीनेटेड भी हैं सब यहाँ पे? जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन तो बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि एक रफ आइडिया भी दे दें क्या क्या कॉस्ट है इन पेयर की। ये डच जो है ये 60 से 65 हज़ार रुपये, डिपेंड ऑन एजेस और ब्रीडर पेयर हैं या बच्चे हैं तो फिर वो वेरी कर रहा होता है थोड़ा सा रेट। और जो आपका ये सिलेंडर रैबिट्स हैं सील पॉइंट वाले, ये आपका 80,000 का पेयर है इस वक्त, ये भी वेरी कर रहा होता है कि साइजेस और एज के हिसाब से। और फ्लेमिश जाइंट जो आप देख रहे हैं वाइट कलर में, ये जो बड़े पेयर है तकरीबन 7 से 7.5 केजी का, तो ये जो है वो 1,30,000, 1,20,000, 1.5 लाख तक के हैं, वेरी कर रहे होते हैं साइजेस के ऊपर जी। यासिर भाई मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह वेट तो है का। जी वेट है और साइज आप देखें। तो व्यूवर्स यहाँ पे एक और केज रूम बनाया हुआ है इन्होंने और इनके फार्म में यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रीड्स मौजूद है, तो इसको भी विजिट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी नया ब्रीड मौजूद है इनके पास। जी आसिफ साहब इस ब्रीड के बारे में बताएं। ये ब्लैक एंड टैन ब्रीड है, ठीक है, और मीट फार्मिंग पे और एज अ पेट चलती है, इंतहाई खूबसूरत है। आप देखें रॉटवाइलर और जर्मन शेफर्ड का कॉम्बिनेशन लगता है इसके कलर्स में, आप अगर कलर पे गौर करें तो जर्मन शेफर्ड और रॉटवाइलर में ऐसे कलर्स आते हैं। तो ये भी बहुत अल्लाह का शुक्र है अच्छा चला, काफ़ी पेयर्स आए थे और इस वक्त सेल किए और अच्छा रिस्पॉन्स आया है क्योंकि डिफरेंट और ख़ूबसूरत ब्रीड है ये। तो क्या डिमांड है इस ब्रीड की? ये ऑलमोस्ट 80,000 रुपये से 90,000 रुपये तक का पेयर है। अच्छा, इसकी एज क्या है पेयर की? ये तकरीबन 9 महीने के हैं और ये भी बेल्जियम इम्पोर्ट है। 9 महीने के जी।
अच्छा ये बताइए यासिर भाई, इसका मतलब है कि ये और वेट गेन करेंगे? जी जी बिल्कुल, अभी एक तो हल्के हैं और वेट इनका ऊपर जाएगा। अभी तकरीबन ये 3.5 ब्रीडर होने में कितना टाइम लग जाएगा? ब्रीडर तो देखें हो गए, वेट मगर अभी ये और इनका ऊपर जाएगा। जी यासिर भाई, इस ब्रीड के बारे में बताएं। ये फ्रेंच लॉब की इस वक्त फीमेल है और प्रेग्नेंट भी है, इसलिए इसको अलग किया हुआ है। और आप इसकी क्वालिटी और फेस पंचिंग देख सकते हैं कि एक अच्छा गोल मटोल सा साइज है इसका। फ्रेंच लॉब लॉब के अंदर बहुत हैवी वेट होता है, काफ़ी पसंद किया जाता है। तो अभी इसका क्या वेट है? ये तकरीबन इस वक्त 3.5 से 4.25 केजी की है। ओके, तो ये आप कह रहे हैं कि प्रेग्नेंट है, तो कब तक डिलीवरी दे देगी? ये होपफुली इंशाल्लाह 8 से 10 दिन के अंदर ब्रीड करेगी। अच्छा, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपने नमक भी रखा हुआ है, इसकी क्या वजह है? ये नमक जो है वो रॉक सॉल्ट है और ये हाजमे के लिए रखा हुआ है, ताकि जो है इनको डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, ये देना ज़रूरी है इनको? ये अच्छा है, फ़ायदेमंद है बहुत ज़्यादा। जैसे हम बकरों को गायों को नमक देते हैं, वो चाटते रहते हैं तो डाइजेस्ट होता रहता है, एनजाइटी नहीं होती पेट में, ये इसलिए ही है। अच्छा, तो क्या डिमांड कर रहे हैं इस फीमेल की? ये पेयर है पूरा बेसिकली, और 1 लाख रुपये इस पेयर की डिमांड है। अच्छा, तो ये ब्रीड कितनी दफ़ा कर चुका है पेयर? ये अभी हॉलैंड से आया है, तो ये फर्स्ट ब्रीड यहाँ पाकिस्तान में करेगा। फर्स्ट ब्रीड है इसकी। जी यासिर साहब, इस ब्रीड के बारे में बताएं। ये ब्लैक वियाना है और आप देखेंगे इंतहाई शाइनी ब्लैक कलर है, बहुत खूबसूरत ब्रीड है। और ये भी मीट फार्मिंग पे बहुत ज़्यादा चल रही है। वियाना ब्रीड्स जो हैं इसमें वाइट आता है, रेड आता है, ब्लू आता है और ये ब्लैक आता है। और ब्लैक इसका वो आम ब्लैक नहीं है, बहुत शाइनी ब्लैक है। इसमें भी साइजेस बहुत सारे आते हैं, ये फिर भी नॉर्मल है, इससे भी बड़े बड़े साइजेस के वियाना आते हैं। ये ब्रीडर पेयर है? जी ये ब्रीडर पेयर है, एक ब्रीड कर चुका है यहाँ पे, ये भी हॉलैंड इम्पोर्ट हुआ था और इसने एक ब्रीड यहाँ पे कर दी है। अच्छा, ये फुल साइज है इसका? जी ये फुल साइज है, ये थोड़ा सा और ग्रोन होगा बट इसमें साइजेस हैं, इसमें एक जॉइंट साइज और अलग आता है, वो इससे भी बड़ा होता है। ओके, क्या डिमांड है इस पेयर की? ये 90,000 का पेयर है। 90,000 डिमांड है। जी यासिर भाई, इस ब्रीड के बारे में बताएं। ये नीदरलैंड मार्टिन ड्वार्फ है, स्मॉलेस्ट ब्रीड इन रैबिट, सबसे छोटे होते हैं नॉन फर के अंदर, सबसे स्मॉलेस्ट ब्रीड है ये रैबिट की। और ये सारे ब्रीडर पेयर्स इस वक्त मौजूद हैं, ठीक है। और ये बहुत एज अ पेट बहुत ज़्यादा फॉरेन में इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा लोग रखते हैं इसको एज अ पेट, क्योंकि ये छोटे साइज़ में बहुत क्यूट से होते हैं। अच्छा, यानी ये फुल साइज़ है इनका? ये इनका फुल साइज़ है, ये ब्रीडर पेयर हैं, ये इतने से ही रहते हैं बस। एज क्या है इनकी? ये तकरीबन साल साल के हैं। साल के हैं ये। और पर पेयर क्या डिमांड रखी आपने? ये 65 से 70 हज़ार रुपये, डिपेंड ऑन क्वालिटी और कलर वेरी कर रहा होता रेट बस। जी यासिर साहब, इस पेयर के बारे में बताएं। ये भी फ्रेंच लॉब का पेयर है, आप देखें मेल फीमेल साथ है, ये भी हॉलैंड इंपोर्ट हुआ हुआ है। और क्वालिटी आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना राउंड फेस है, ब्राउन वाली जो है वो फीमेल है और ग्रेश वाइट जो है ये मेल है, और लॉब की हाई क्वालिटी के अंदर आता है ये। अच्छा, तो ये हाई क्वालिटी के पेयर की क्या डिमांड है? ये 95 इसकी डिमांड है। 95,000? जी जी। यासिर साहब ये बताइएगा, कोई स्पेशल फूड वगैरह भी देते हैं इनको? स्पेशल फूड नहीं होता इनका कोई खास, बस एज अ ट्रीट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिए जाते हैं इनको। अच्छा, तो वेजिटेबल और फ्रूट जो होते हैं वो मौसम के लिहाज से देते हैं? मौसम के लिहाज से होते हैं, और फ्रूट्स और वेजिटेबल आपको पता है उसमें जितने न्यूट्रिशंस होते हैं, तो फिर किसी मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अल्हम्दुलिल्लाह। जी यासिर साहब, इस ब्रीड के बारे में बताएं। ये टेरी बेयर ड्वार्फ्स हैं और ये भी स्मॉलेस्ट ब्रीड है रैबिट की, बट फर के अंदर, वूल के अंदर स्मॉलेस्ट ब्रीड है। और ये आप देखेंगे इनका फेस वगैरह सब ढक जाता है, जैसे जैसे ये और बड़े होते जाएंगे इनकी आंखें छुपती जाएंगी। और ये स्मॉलेस्ट ब्रीड होती है, ये खैर बच्चे हैं अभी 3 मंथ्स के, और इनके जो बड़े ब्रीडर पेयर होता है वो भी ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होता, बहुत एग्जॉटिक चीज़ है ये वूल के अंदर। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो बेबीज़ हैं ये लोकल ब्रीड के हैं? जी यहाँ इम्पोर्टेड पेयर से यहाँ लोकल पैदा हुए हैं, यहाँ के क्लाइमेटाइज्ड हैं, बिल्कुल क्लाइमेटाइज्ड हैं, वैक्सीनेटेड हैं? बिल्कुल, वैक्सीन तो मैं सारे रैबिट्स की अब पूरे फार्म पे रखता हूँ लाजमी तौर पर। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो बेबीज़ का पेयर है इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? देखें ये 60,000 का है, क्योंकि इसका ब्रीडर पेयर जो है ऑलमोस्ट 130,000 डिपेंड ऑन क्वालिटी चल रहा होता है। तो ये एग्जॉटिक में आता है, ये आम वूल वाला नहीं है, जैसे हम जॉइंट अंगोरा, फ्रेंच अंगोरा, जर्मन अंगोरा देख रहे होते हैं, ये उससे ऊपर की, बहुत ऊपर की चीज़ है। जी इस ब्रीड के बारे में बताएं। ये लॉयन हेड लॉप है और वाइट रेड आइज़ के अंदर है, इसकी भी काफ़ी डिमांड होती है। लॉयन हेड लॉप है ये यहीं का डोमेस्टिक, मतलब यहीं की, यहाँ पैदा हुआ है पाकिस्तान में, बट ये भी इम्पोर्टेड ब्रीड है, लॉप ब्रीड है।
تو یہ میل ہے فیمیل ہے سنگل میل ہے جی یہ میل ہے اس کی فیمیلز بھی موجود ہیں ڈفرینٹ فیمیلز پھر ان کے ساتھ میٹنگ کے لیے کام میں آتا ہے اچھا تو پیئر کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے یہ بچوں کا پیئر اگر پورا وائٹ ریڈ آئیز کے اندر ہے تو 35,000 to 40,000 کا ہوتا ہے اور اگر بایو کلرس کے اندر ہے تو 25,000 to 30,000 ڈیپینڈ آن کوالٹی اور کلر کمبینیشن کیسے آ رہے ہیں اس کے جی اس بریڈ کے بارے میں بتائیں دیکھیں یہ جو فرنٹ پہ براؤن بیٹھا ہے نا یہ لوائن روف ہے اور یہ جو ابھی نیچے ڈاؤن کان کا آیا یہ انگورا میں لوائن ہیڈ لوپ ہے ٹھیک ہے وہ شارٹ ایئر ہے وہ جو براؤن لیفٹ سائڈ کے اوپر ہے وہ ٹیڈی بیئر ڈراف جیسے ایک بریڈ ہے یہ لوائن ڈراف بریڈ ہے یعنی اس کے فیس پہ رنگ آتا ہے آپ جیسے اس وقت دیکھیں اس کی آنکھیں نہیں چھپتی ہیں اس کے شیر جیسا رنگ آ جاتا ہے سائڈوں پہ تو اس کو لوائن ڈراف کہتے ہیں یہ بھی اسمالسٹ بریڈ ہے اور اس کے ساتھ لوپ کا ایک پیس ڈلا ہوا ہے یہ بچے جی ہاں کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ پیئر لوائن ڈراف کا جو ہے یہ 45,000 کا ہے لوپ کا جو ہے وہ 30,000 کا ہے جی یاسر صاحب یہاں پہ میں جو ریبٹ دیکھ رہا ہوں اس کے بارے میں بتائیں یہ ٹیڈی بیئر ڈراف ہے جیسے آپ کو اس کے بچے دکھائے تھے یہ اس کا فل سائز ہے اور کوالٹی اور بیوٹی آپ چیک کر سکتے ہیں حالانکہ یہ بریڈر فیمیل ہے تو تھوڑے سے اس کے فیس کے بال کم ہوئے ہیں ورنہ یہ اور زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں ماشاء اللہ یہ بھی بلو ہے اس کے اندر ہے اسی کے بچے ہیں وہ ہیں جو میں نے آپ کو پہلے دکھائے تھے تو یہ ڈراف بریڈ ہے انگورا کے اندر یہ اسمالسٹ بریڈ ہے بٹ فر کے اندر ایک نان فر آپ کو نیدر لینڈ جیسے دکھایا تھا یہ فر کے اندر اسمالسٹ بریڈ ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس بریڈر پیئر کی یہ بریڈر پیئر اس کے بچے سیل کے لیے ہیں تو یہ پیئر فی الحال سیل کے لیے نہیں ہے بریڈنگ کے لیے رکھا ہوا جی 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 اس بریڈ کے بارے میں بتائیں یاسر بھائی یہ انگلش انگورا ہے وائٹ جو ہے وہ میل ہے اور یہ براؤن جو ہے یہ فیمیل ہے اور اس وقت ان کے بال فیمیل کے اسپیشلی ٹرم کیے ہوئے ہیں اور بریڈر پیئر ہے تو ذرا فر میں آپ کو تھوڑا ڈاؤن دکھے گا بٹ ویسے بہت ایکزاٹک بیوٹی کے ساتھ ہے آپ میل کا فر دیکھیں تو بہت اچھا ہے اس کا بھی فیس چھپ جاتا ہے بٹ وہ فیمیل کے ساتھ ذرا رکھا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑے اس کے فر خراب ہو گئے اور وہ ریڈ آئس سیل پوائنٹ کے اندر ہے میل اور فیمیل جو ہے وہ براؤن کے اندر ہے یہ پیئر تقریباً 120,000 to 130,000 روپے کے اراؤنڈ ہوتا ہے ڈپینڈ آن کوالٹی اچھا اس میں میں دیکھ رہا ہوں آئیز میں ڈفرینٹ ہے ایک ریڈ آئیز ہے ریڈ آئیز ہے وائٹ نارملی آپ کو پتہ ہے البینو ہوتے ہیں ریڈ آئیز ہوتے ہیں اور یہ براؤن میں اس میں بلو آئیز بھی آتا ہے وہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتا ہے بلو آئیز میں جو جی ہاں ایگزیکٹلی جی یاسر بھائی اس بریڈ کے بارے میں بتائیں یہ ریکس ویلویٹ ہے آپ اس کی باڈی دیکھیں انتہائی ویلویٹ والی ہے پورے باڈی پہ آپ ہاتھ پھیریں تو انتہائی سافٹنیس آپ کو محسوس ہوگی یہ بھی بیلجیم سے امپورٹ ہے اور آپ اس کی خوبصورت ایک تو کلر بہت خوبصورت ہے اوپر سے اس کی باڈی انتہا کی جو اسکن ہے وہ سافٹ ہے تو اس پیئر کی کیا ڈیمانڈ ہے یہ 1,20,000 روپے کا بریڈر پیئر ہے اوکے تو یہ بریڈر پیئر جو ہے بریڈ دے چکا ہوگا جی یہاں بریڈ ہو چکی ہے اس کی الحمدللہ اور اس کے بچے انشاءاللہ 15 to 20 days میں سیل کے لیے ریڈی ہو جائیں گے تو بچوں کی کیا ڈیمانڈ ہوگی بچے آلموسٹ 40,000 کے ہوں گے پیئر جی جی اس بریڈ کے بارے میں بتائیں یاسر بھائی یہ ڈراف ریکس ہیں جیسے میں نے آپ کو ابھی گولڈن میں دکھایا یہ ڈراف کے اینڈر ہے اسمالسٹ بریڈ ہے اور یہ بھی بڑا اینٹی کا ٹوائے بریڈ ہے خوبصورت بیوٹی کے حساب سے اسکن اس کی بہت سافٹ ہوتی ہے جیسے اس کا جائنٹ آپ کو میں نے دکھایا تھا تو یہ بتائیں کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی 60,000 ہے 60,000 پر پیئر یہ فل ایڈلٹ ہاں جی 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 بریڈر پیئر ہے ریڈی ٹو بریڈ ہے جی یاسر صاحب اس بریڈ کے بارے میں بتائیں یہ بیلجیم ہیئر ہیں بیسکلی یہ ڈراف بریڈ ہے ہیئرس کے اندر یہ ریبٹس میں نہیں آتی یہ ہیئرز ہوتے ہیں ان کی یہ بہت زیادہ اونچی چھلانگیں لگا لیتے ہیں ریبٹس جو ہیں یہ جنگلی ریبٹس جو ہم نارملی کہتے ہیں نا یہ ان کی ڈراف بریڈ ہے بیلجیم کے اور انہوں نے بچے بھی دیے ہیں ماشاء اللہ 4 ہیں آلموسٹ اور یہ بڑی ایگزاٹک چیز ہے یہ 2 paon پہ اتنے زیادہ ہائٹ پہ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں کہ اچھی خاصی ہائٹ کے اوپر کھڑے بھی ہو جاتے ہیں اور ان کی جو جمپ ہوتی ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ایک عام ریبٹ سے ڈبل ٹرپل ہوتی ہے اچھا تو کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس پیئر کی یہ 50,000 کا پیئر ہے بیسکلی دکھنے میں بڑا ڈومیسٹک ہمارا دیسی لگ رہا ہوتا ہے مگر یہ ہے نہیں دیسی اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں پرائز یہ بیبیز کے ساتھ ہوں گے یا نہیں ود آؤٹ بیبیز اوکے اور اگر کوئی بیبیز کے ساتھ لینا چاہے جیسے یہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ڈیل کر لیں گے پھر ڈیپینڈ اصل میں اس ایج میں موو کرانا بھی تھوڑا خطرناک ہوتا ہے نا کہ اگر ہم موو کرا دیتے ہیں وہاں جا کے فیڈ نہ کرایا اگر تو پھر وہ بچے ضائع ہونے کا بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے جی یاسر بھائی اس بریڈ کے بارے میں بتائیں یہ بھی وہی بیلجیم ہیئرز ہیں
منی کے اندر ہیں اور آپ کان پہ ان کے ٹیٹوز بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ انتہائی خوبصورت چیز ہے, کھیلنے والا آئٹم ہے. یہ اپنے دو ٹانگیں اوپر کر کے جو نچلی دو ٹانگیں ہوتی ہیں اس کے بھی پوائنٹس تک کھڑے ہو جاتے ہیں, اتنا اونچا کھڑے ہوتے ہیں اور بہت ریئر چیز ہے. ڈومیسٹک لگ رہے ہوتے ہیں بٹ یہ بریڈر پیئرز ہیں اور چھوٹے سائز کے اندر ہیں اور بیسکلی یہ ہیئر ہیں, ریبٹ نہیں ہے. اچھا, تو اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک اسمال ہیئر کا, یہ جو اس کے ایئر ہیں ایک کے اسمال ہیں باقی کے تھوڑے لانگ ہیں. جی یہ ایک وائٹ ہے اس کے تھوڑے سے چھوٹے ہیں, یہ ڈپینڈ کوالٹی قدرت کے اوپر ہے کہ تھوڑا بڑے چھوٹے کان آ جاتے ہیں. بیسکلی ہیں یہ سارے ایک ہی بریڈ ہے. جی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں پر پیئر؟ یہ 50,000 کا پیئر ہے. جی یاسر بھائی اس بریڈ کے بارے میں بتائیں, دیکھ رہا ہوں کافی جائنٹ ہے. جی یہ بیلجیم ہیئر ہے, جیسے آپ کو اس کی شارٹ بریڈ دکھائی تھی ڈراپ بریڈ, یہ جائنٹ میں ہے. یہ بہت زیادہ ویٹ نہیں ہوتا ان کا, یہ پتلے لمبے ہوتے ہیں بہت زیادہ اور کلر آپ دیکھیں کہ کتنا ریڈش براؤن ہے, بہت خوبصورت ہے. اور یہ جو ہائٹ اس کی جتنا لمبا دکھ رہا ہے نا یہ کھڑا ہوگا اس سے بھی ڈبل ہو جائے گا. اور یہ بیسکلی وہی والی بات کہ ریبٹ نہیں ہے, یہ ہیئر ہیں. اوکے, تو اس کا بریڈر پیئر کتنے تک کا مل جاتا ہے؟ یہ 1,00,000 روپے کا بریڈر پیئر ہے, بیلجیم امپورٹ ہے. اب یہ ایکزاٹک بریڈ ہے, یہ ہر کوئی نہیں لیتا بٹ جس کو سمجھ ہے یہ وہی پرچیز کرتے ہیں. ڈفرینٹ رکھنا چاہتے ہیں. کان میں ٹیٹو بھی بنا ہوا؟ جی ٹیٹو آپ کو آلموسٹ سب کے دکھیں گے جو امپورٹڈ ہیں, وہ سب ٹیٹو پہ ڈگری ہیں. اچھا یاسر صاحب یہ بتائیے گا کہ ریبٹ اور ہیئر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں ریبٹس جو ہیں نا وہ نارمل جتنے آپ نے دیکھے یہ سب ریبٹس تھے. ہیئر جو ہیں بیسکلی اس کو میں صحیح ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ریبٹ میں شمار نہیں ہوتے, یہ ایکسٹرا آرڈنری جمپ لیتے ہیں, ان کی ہائٹیں زیادہ ہوتی ہیں. جو بیسک کانسیپٹ ہے نا جس کو ہم خرگوش کہتے ہیں جی بہت تیز بھاگتا ہے, وہ سب بیسکلی ہیئرز ہوتے ہیں. تو ہیئر کو الگ ڈیفائن کیا جاتا ہے, ریبٹ سے نہیں ملایا جاتا. جو اگر آپ گوگل کرتے ہیں تو آپ کو ایک ہیئر اور ان کا جو باڈی اسٹرکچر ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے ریبٹ سے. خوراک وغیرہ سب صحیح ہے مگر آپ دیکھیں گے ان کی آگے کی ٹانگیں کافی لمبی ہیں, پیچھے کی ٹانگیں عام ریبٹ سے زیادہ لمبی ہیں. تو ان کی جمپ لینا, ان کا بھاگنا ایکسٹرا آرڈنری عام ریبٹ سے بہت الگ ہوتا ہے. جی ہاں یہ بیسکلی جنگلی خرگوش جس کو ہم کہیں گے نا, جو ہمارے ڈومیسٹک ہے یہ ہر ملک کا ایک جنگلی خرگوش ہوتا ہے, یہ بیسکلی وائلڈ ریبٹ ہے. جو وائلڈ ریبٹ ہے اس کو ہیئر کال بلاتے ہیں. تو ویورز جو وائلڈ ریبٹ ہوتے ہیں یہ تقریباً 5 سے 10 فٹ تک کی جمپ کر لیتے ہیں, جبکہ جو نارمل ریبٹس ہوتے ہیں یہ اتنی جمپ لگانے کی ایبیلیٹی نہیں رکھتے. یہی بتا رہے ہیں یاسر صاحب آپ؟ ایگزیکٹلی آپ نے صحیح کہا کہ ان کی جمپ, ان کا بھاگنا, ان کا جو باڈی لینگویج ہے وہ ٹوٹلی ایک عام ریبٹ سے الگ ہوتی ہے. اس لیے اس کو ہیئرس کے نام سے اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو یہ ہیئر کے نام سے ملے گا, ریبٹ کے نام سے نہیں ملے گا. اچھا ایک بات اور کلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ بیسکلی ہے تو بالکل ہیبیچوئل وائلڈ ریبٹ کی طرح, بٹ یہ ابھی جو ہیں وہ فارم کے ہیں. جی 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 ہاں, یہ بیلجیم سے امپورٹ ہوئی ہے اور یہ ڈومیسٹیکیٹ کیے ہوئے ہیں, مطلب ہے تو وائلڈ بریڈ ہے بٹ اس کو ڈومیسٹیکیٹ کیا ہوا ہے. یہ ابھی کافی گھبرا رہا ہے, کیپٹیویٹی میں رکھا ہوا ہے اس کو, تو یہ کیپٹائز کیے ہیں میں ان کو. تو ویسے یہ وائلڈ بریڈ ہے, ہر ملک کی ایک, جیسے ہمارے یہاں ذرا الگ کلرز میں ہوتے ہیں, ان کے سائز تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں, یہ بیلجیم کے ہیں. جی یاسر صاحب یہاں پہ اب ہم ہیمسٹرز کی بریڈ دیکھ رہے ہیں, اس کے بارے میں بتائیں. جی یہ ہیمسٹرز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹوائے بریڈ ہے, بچے وغیرہ بڑے پسند کرتے ہیں اور سستی سی چیز ہے اور ٹیم ہو جاتے ہیں, بڑے پیارے لگتے ہیں. یہ ایکویریمز وغیرہ کے اندر ان کو ہم رکھ سکتے ہیں, بہت کیوٹ لگتے ہیں. یہ کون سی بریڈ ہے؟ یہ سیرین ہیمسٹرز ہیں, جس کو ہم گولڈن ہیمسٹرز اور سیرین ہیمسٹرز کے نام سے جانتے ہیں. کیا ڈیمانڈ ہے اس کی؟ یہ 4,000 کا پیئر ہے. 4,000 کا پیئر ہے. اور بیبیز دیکھ رہا ہوں اس میں میں؟ جی یہ بیبیز ہی ہیں, یہ تو 15 جب پیدا ہوتے ہیں تو 2 مہینے بعد تو بریڈر ہو جاتے ہیں اور ہر 15 دن سے بریڈ کرتے ہی ہیں. اچھا تو ان کی بریڈ یعنی کافی زیادہ ہوتی ہے؟ بہت تیز ہے, بہت تیز ہے. میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں بچوں کے ساتھ ایک فیمیل بیٹھی ہوئی ہے. جی یاسر صاحب اس ہیمسٹر کے بارے میں بتائیں. جی یہ بھی سیرین ہیمسٹر ہے, آپ دیکھیں اس نے 4 سے 5 بچے دیے ہوئے, یہ 9, 10, 12 تک بچے دیتی ہیں. تو یہ تو اس نے ابھی پھر بھی کم دیے ہیں, ورنہ اس سے پہلے ایک نے میرے پاس 9 بچے دیے تھے. 8-9 بچے ان کے نارمل سی بات ہوتی ہے. اوکے تو اس پیئر کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ یہ وہی بچوں کے پیئر اس کے سیل کرتے ہیں, 4,000 روپے اراؤنڈ. اوکے یعنی بیبیز کا جو پیئر ہوتا ہے, بیبیز کتنے بڑے ہوتے ہیں وہ؟ بیبیز وہ 1 مہینے کے ہوتے ہیں, 1 مہینے بعد وہ بھی بریڈر ہو جاتے ہیں. اوکے یعنی کہ 1 مہینے کے بیبیز ہوتے ہیں. اچھا ان کو بھی ویکسینیشن کرانی پڑتی ہے؟ نہیں ایسے ان کی ویکسینیشن کی ضرورت نہیں ہے, بٹ میں پھر بھی ان کو جو ہے نا ایک ریبیز کی ویکسین کرتا ہوں تاکہ کوئی پرابلم نہیں آئے. جی یاسر صاحب یہاں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیں. یہ سیرین, یہ بھی سیرین ہے, فیمیل ہے, پریگننٹ ہے, اس کو الگ کیا ہوا ہے, آپ دیکھیں گھاس کے اندر رکھا ہوا ہے ایسی,
तो ये बड़ा टॉय ब्रीड है, खेलने के लिए बड़े शौक के लिए अच्छी है, टेम हो जाते हैं, हाथों में घूमते रहते हैं। ओके, क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? ये फॉर सेल नहीं है, ये तो ब्रीडर है मेरी, तो ये अभी प्रेग्नेंट है, इसने बच्चे देने हैं। तो व्यूवर्स, ये विज़िट किया हमने यासिर साहब के सेटअप का, यहाँ पे जो जो ब्रीड्स मौजूद हैं आप तमाम व्यूवर्स को दिखाएं। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यासिर साहब से। यासिर साहब, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को टेक्निक बताएं, आपको सबसे पहले तो ये बताएं कि कितना टाइम हो गया इसकी ब्रीड को संभालते हुए, ब्रीड कराते हुए? मुझे तकरीबन 13 से 14 साल हो गए। अब थोड़ा सा मार्केट में लोगों को नो हाउ हुई है तो वो इस काम की तरफ आ रहे हैं, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ लोगों को ये डिफरेंट चीज़ें करें क्योंकि प्रॉफिटेबल है और बहुत प्यारा काम है। अच्छा, इसके अलावा ये बताइएगा कि ब्रीडिंग कराने की कोई ट्रिक या टेक्निक है? नहीं, आपको पता है खरगोश बहुत आसान ब्रीड करने वाली चीज़ है, लोगों ने बस थोड़ा सा इसको वो किया हुआ कि इसके पी में बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, हालाँकि आप देखेंगे कोई ऐसी स्मेल नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई गंदगी नहीं करते, बीमारियाँ इनमें नहीं हैं, बहुत सुकून वाली चीज़ है, मतलब इतनी मेहनत तलब चीज़ नहीं है रैबिट्स रखना। ओके, अच्छा यासिर साहब ये बताइएगा कि रैबिट्स जो होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट में, माहौल में काफ़ी अच्छा ब्रीड कर लेते हैं, क्या केज में भी इतना अच्छा ब्रीड कर देते हैं? देखिए, असल में हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है कि रैबिट्स को कच्ची ज़मीन चाहिए होती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा मैंने केजेस में रखे हैं, अच्छा मुझे छोड़ें, आप गूगल करें, पूरी दुनिया में इस वक्त जो फार्मिंग हो रही है वो सब केजेस के अंदर हो रही है, क्योंकि आप इतना बड़ा ग्राउंड ला ही नहीं सकते और ग्राउंड के अंदर आपका एक्सेस नहीं रहेगा रैबिट पे। अब केज में तो आप हाथ लगा के देख सकते हैं कि कोई बीमार तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, अगर आप नीचे ग्राउंड पे छोड़े होंगे तो आप उसको पीछे पीछे कहाँ तक भागेंगे, तो आपके कंट्रोल में नहीं आएगी। फार्मिंग अगर आपने करनी है तो वो केज के अंदर। अच्छा, अगर केज की हम बात कर लेते हैं तो केज कितना बड़ा होना चाहिए एक रैबिट की ब्रीड के लिए? देखें, मिनिमम जो है वो 2x2, 2x3 होना चाहिए, या 2.5x2 हो, या फिर इससे बड़े हो, इससे छोटे नहीं हो, 2x2.5 या 2x3 से छोटा ब्रीडिंग केज नहीं, हाँ, ब्रीडिंग नहीं चले, उस पर मज़ा नहीं आएगा। ओके, क्योंकि इतनी रनिंग इनको चाहिए कि रनिंग उसमें... से ज़्यादा आप बॉक्स वगैरह जब लगाएंगे तो थोड़ा सा उसको घूमने फिरने की जगह भी तो चाहिए। ठीक है जी, आसिफ साहब ये बताइएगा कि इनकी डाइट क्या है बेसिकली, जैसे डॉग वगैरह फूड मिल जाता है, डॉग के लिए डॉग फूड मिल जाता है, कैट फूड मिल जाता है, तो इनके लिए भी कोई स्पेशल डाइट फूड आता है या इनको क्या देते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह देते हैं? यही इसमें बस खास बात है कि हमें कुछ स्पेशल नहीं करना पड़ता। ठीक है, अगर आपके घर में गाजर है, गाजर दे सकते हैं, सेब यानी वेजिटेबल्स फ्रूट्स दे सकते हैं आप, उसके अलावा आप चोकर दें, सनफ्लावर दे सकते हैं, अगर सर्दी है तो सनफ्लावर दें, वरना जई दे सकते हैं आप, बाजरा दे सकते हैं, चना दे सकते हैं, तो और गंदम का दलिया बहुत शौक़ से खाते हैं, घास आप सूखी घास डाल सकते हैं, बस लूसन को मैं रिकमेंड नहीं करता, और अगर देना ही पड़े तो फिर उसको ड्राई करके दें, लूसन ड्राई करके दें, क्योंकि उसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, उसकी वजह से इनके पी में स्मेल भी ज़्यादा होती है, पी करते भी ज़्यादा हैं, तो खिलाना पिलाना इनका बड़ा आसान है। अच्छा, इसके अलावा ये बताइएगा जैसे मौसम चेंज होता है तो क्या डाइट में कुछ फ़र्क आता है, कोई आप चेंजेस करते हैं कि कोई फीड चेंज की जाती है? बस सर्दी में सनफ्लावर ऐड कर देते हैं इनके अंडे में, जैसे चोकर है, गंदम का दलिया, बाजरा है, चना है, इसमें सनफ्लावर की थोड़ा सा ऐड कर दिया जाता है ताकि वो सर्दी से ज़रा उनको मसला ना हो, बट वैसे कोई मसला नहीं होता। गर्मी में जैसे जई डाल दी जाती है, जवार डाल देते हैं फीड के अंदर ताकि वो थोड़ा ठंडा रखे, ऐसे कोई ख़ास तब्दीली नहीं करनी पड़ती। अच्छा, इसके अलावा ये बताएगा कि अगर कोई फीमेल ब्रीडिंग पर है तो उसको क्या कोई चीज़ मखसूस, जैसे कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा, क्या क्या चीज़ों की बुनियादी ज़रूरत होती है? देखें, कैल्शियम तो रैबिट को चाहिए ही नहीं है, रैबिट को सबसे ज़्यादा ना प्रोटीन चाहिए। देखें, अल्लाह पाक ने सबकी अलग नीड्स बनाई हैं, जानवरों की, इंसानों की, रैबिट को सबसे ज़्यादा फाइबर की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसको प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, उसको जो है कैल्शियम की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो फाइबर वाले कंटेंट जिसमें हो वो ज़्यादा डालें आप, और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनकी खुराक को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए बस। अच्छा यासिर साहब, ये भी मैं चाहूँगा कि क्लियर कर दें, जो रोटी वगैरह दे देते हैं क्या ये मुनासिब है देना? देखिए, मैं रिकमेंड नहीं करता कोई भी ऐसी चीज़ जो अंदर जाके फूल जाए। गंदम भी देखें, मैंने बताया तो दलिया बताया, दलिया नहीं फूलता, साबुत गंदम फूल जाती है। रोटी अगर आप दे रहे हैं तो फिर पानी आपने 2-2.5 घंटे तक नहीं देना, क्योंकि अगर वो अंदर स्टमक में फूल गई तो वो तो फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो ये मना कर रहे हैं। जैसे रोटी वगैरह बकरों को भी नहीं देनी चाहिए, वो अच्छे खासे जो है ना, वो खड़ा खड़ा बकरा जो है वो इंतकाल फरमा जाता है।
चलें, ये चीज़ अच्छा हुआ आपने मेंशन कर दी। अच्छा, आप ये जो आपने प्राइस बताए हैं अपने सेटअप पे रैबिट्स के, तो इसमें डिस्काउंट हो जाएगा हमारे व्यूवर्स के लिए? जी बिल्कुल, आपकी तरफ से जो भी कॉल आएगी उसको स्पेशली डिस्काउंट ज़रूर होगा, और स्पेशली गाइडेंस के साथ उसके साथ पूरा ताबुन करूँगा इंशाल्लाह ताला। चलें, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करने इस उम्मीद के साथ कि हमारे व्यूवर्स के साथ कॉपरेट करेंगे। इंशाल्लाह कॉपरेशन तो बिल्कुल होगी, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0333-284-6567, मगर शाम में कॉल करें, दिन में मैं सो रहा होता हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया यासिर साहब, थैंक यू। तो व्यूवर्स, आपने देखा यहाँ पे ये खरगोश की काफ़ी नया ब्रीड जिनके पास मौजूद थी यासिर साहब के पास, और काफ़ी ये जाइंट ब्रीड है जो इस टाइम इन्होंने पकड़ी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेटअप का विजिट आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आया होगा। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आ जाऊँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।